नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। पंचरतन दाल राजस्थानी रेसिपी है और ये पांच प्रमुख दालों को मिलाकर बनाई जाती है। आज हम पंचरतन दाल बनाएंगे, तो आइए देखें पंचरतन दाल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये पांच दालें हैं मसूर, अरहर, चना दाल, मूंग दाल और उड़द दाल। ये पांचों हमने एक चौथाई कप से और थोड़ी कम ली है, मतलब लगभग 40-40 ग्राम ले ली है। तो पूरी दाल 200 ग्राम है। करी पत्ता 7-8, गरम मसाला 2, इसमें बड़ी इलायची हैं, 5-6 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 इंच दाल चीनी का टुकड़ा, जो अभी दरदरा कूट लेंगे। आधा छोटी चम्मच जीरा, हींग 2 पिंच, लाल मिर्च 1/4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, हरी मिर्च 2 जो काट ली हैं, नमक स्वाद अनुसार या 1 छोटी चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून, अदरक 1 इंच टुकड़ा, कद्दूकस कर लिया है, घी 2 टेबल स्पून। सबसे पहले दालों को हम कुकर में डाल करके थोड़ा नमक और हल्दी डाल के उबाल लेंगे। ये सारी दालें हम कुकर में डाल देंगे। दालों को थोड़ा सा हमने आधा घंटे पहले भिगो लिया है। गैस ऑन कर देंगे और पानी दाल से थोड़ा ऊपर, करीब आधा इंच ऊपर रहे, बाद में पानी मिलाया जा सकता है। दाल हमारी अच्छे से उबल जाएंगी इस पानी में। आधा नमक अभी डाल देंगे और आधा हम मसाले के साथ डाल देंगे, तड़के के साथ। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, आधी बाद में डाल देंगे मसाले के साथ। और ये सब मिक्स करके कुकर बंद कर देंगे और कुकर में एक सीटी आने के बाद दाल को धीमी गैस पर 2-3 मिनट और पकने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है और अब हम दाल को गैस धीमी करके 2-3 मिनट और पकने देते हैं। ये 2-3 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देंगे, फिर इसमें हम तड़का लगा देंगे। ये कढ़ाई गर्म हो गई है और कढ़ाई में हम घी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून घी डाल लिया है और घी गर्म होने के बाद हींग जीरा डाल देंगे। हींग जीरा हल्का सा भुनने के बाद ये गरम मसाला जो हमने दरदरा कूटा हुआ है वो डाल देंगे। मसाले को हल्का सा भूनेंगे। करी पत्ता और अब ये हरी मिर्च, ये थोड़ी सी बड़ी काटी है हमने, तो जिनको मिर्च नहीं पसंद हो वो निकाल भी सकते हैं, हटा सकते हैं। ये अदरक और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मसाले को हल्का सा भूनेंगे और मसाले में दाल डाल के, दाल हमने पहले ही उबाल ली है, मिला देंगे। और जितना पानी चाहिए, हम दाल को जितना पतला रखना चाहते हैं उतना पानी मिला देंगे। ये
ये दाल में अपने हिसाब से हमने पानी मिला लिया और ये नमक डाल दिया दाल में और थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा तीखी खानी है तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब सबसे बाद में हरा धनिया। दाल में उबाल आ रहा है, दाल कुक हो चुकी है। पंचरत्न दाल तैयार है। पंचरत्न दाल तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी है। पंचरत्न दाल को आप चपाती, नान, पराठे या बाटी के साथ परोसिए। आप पंचरत्न दाल बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।